ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का के स्वच्छारण्य के 26वें चरण में स्वागत है। लगातार सतत रूप से हम 26वें चरण तक यहाँ पहुंचे हैं, विशेषकर सरिस्का प्रशासन का और आप सभी वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी मदद से हम हमारे इस सरिस्का को क्लीन और ग्रीन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते आए हैं और इसी प्रकार हम सतत तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। बहुत से लोग आज पहली बार जुड़े हैं तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो अभियान से जुड़े हैं और निश्चित रूप से हम ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का जो हमारी टैगलाइन है उसके आधार पर हमारे सरिस्का को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। और विशेषकर हम ये मैसेज भी देना चाहेंगे हमारे इस अभियान के माध्यम से कि जो भी व्यक्ति भ्रमण के लिए सरिस्का में आता है तो उनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि वो खाने पीने की जो वस्तुएं अगर वो भ्रमण के दौरान जंगल में लेके आता है तो उसके जो खाली पैकेट्स हैं, विशेषकर पोलोथीन या फिर उनके जो रैपर्स हैं या पानी की जो खाली बोटल्स हैं, उनको जंगल में ना फेंके, क्योंकि जो जंगली जीव और जंतु हैं उनको खाने से वो बीमार पड़ते हैं। मेरा नाम मोहित आर्य है, मैं युवा जागृति संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम यहाँ 26वें चरण में सरिस्का पर आए हैं। सरिस्का में एक ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का अभियान के तहत हमें सरिस्का में ये कोई भी गंदगी नहीं फैलाए, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह, इससे जो भी जानवर जंगली जीव खाते हैं ना तो इससे वो उनको भारी नुकसान होता है, इसलिए हमें पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक को नहीं फैलाना चाहिए, इसका निपटारण करना चाहिए। धन्यवाद। आग्रह और अपील हमारी पूरी टीम की ओर से कि वो भ्रमण के दौरान अगर इस तरह की खाद्य सामग्री लेके आते हैं तो उनके जो खाली रैपर्स हैं उनको निर्धारित रूप से बाहर आके और निर्धारित रूप से स्थानांतरित करें या उसका निस्तारण करें। धन्यवाद।